साथियों, लोकतंत्र में चुनाव सरकार बनाने के लिए होता है। राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधि उम्मीदवार आपसे अपनी अपनी नीयत और नीति के हिसाब से वोट मांगते हैं, लेकिन 2019 का ये चुनाव पहले के चुनावों से बिल्कुल भिन्न है, अभूतपूर्व है। इस चुनाव का नेतृत्व देश की जनता कर रही है, आप लोग कर रहे हैं। मतदान किसी दल के लिए नहीं, बल्कि पूरा देश, देश का हर मतदाता इस बार मतदान दल के लिए नहीं, देश के लिए कर रहा है। जनता सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि देश बनाने के लिए, देश का भविष्य बनाने के लिए, 21वीं सदी का नया भारत बनाने के लिए जनता जनार्दन खुद मैदान में है। भाइयों बहनों, मैंने सालों तक पार्टी का काम किया है। मैं कभी मध्य प्रदेश का भी प्रभारी रहा हूं, यहां की हर जिले को छान मारा है। जब गुजरात में चुनाव होता था तो मुझे धार, खरगांव, झाबुआ सब लोग मदद के देते थे। जब यहां चुनाव होता था तो मैं भी मदद के लिए आता था। मेरा परिचय आप लोगों से बहुत पुराना है, मेरी और आपकी भाषा भी एक है, हम एक जैसा ही बोलते हैं। हम इतनी बड़ी पार्टी है, कुशाभाऊ ठाकरे जैसे महापुरुषों के तपस्या से बनी हुई पार्टी है। लेकिन मैं बताऊं, कोई बुरा मत मानना भाई, चुनाव के दिन है, बुरा मत जमाना। मैं संगठन मंत्री था तब भी, मैं पार्टी के संगठन का काम करता था तब भी, हमने पार्टी को इतनी बनाई तो भी, इतने चुनाव के कालखंडों के बाद सातवां चरण चलता हो, आखिरी दिन हो, आखिरी सभा हो, किसी संगठन की ताकत नहीं है इतनी बड़ी सभा करने की, इम्पॉसिबल। मैं तो सर झुकाकर कहता हूं, मैं संगठन का काम करता तो नहीं कर पाता। ये पार्टी का दबदबा नहीं है, ये आपके दिलों की आवाज है भाइयों। दिल्ली में लोग चर्चा करते हैं, चुनाव उब चुका है, थक गए हैं, लंबा हो गया है। ये जो थके हुए लोग हो ना, ये मेरे आदिवासियों के बीच आके बैठो, नई ऊर्जा मिल जाएगी। ये पॉलिटिकल पंडित जरा समझो देश का मिजाज क्या है। अद्भुत, सौ सौ सलाम आपको। आपने 2019 के चुनाव में एक नया रंग भर दिया भाइयों, और मेरे आदिवासियों ने भर दिया। मैं जितना आपका धन्यवाद करूं कम है। भाइयों बहनों, 21वीं सदी के भारत के, नए भारत के इन्हीं निर्माताओं के उत्साह का परिणाम है कि आज देश कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप, पूरा देश कह रहा है, अब की बार, और तीन चार दिन से तो मैं सुन रहा हूं, अब की बार 300 पार, अब की बार, फिर एक बार,